अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज करनी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। ये चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें इनफाइनाइट लिमिट्स होंगी, यानी कि लिमिट्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में रह गई थी, आज हमने वही करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो इसकी इनफाइनाइट लिमिट है, यानी कि वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। अब ये मैंने आप लोगों को कैसे करवाया था, इसकी मैंने कुछ थ्योरी भी करवाई थी आप लोगों को। ये हमारे पास कैसे, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, अब वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्स लेंगे, एक्स डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। यानी जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करनी थी रेंज, अब हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन जब सारा आ जाएगा, उसमें हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेंगे। तो इसको हमने अब सिंपल सॉल्व करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, इस पे पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि इसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 1/2, हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो पावर रूल हम लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इस पे अब लिमिट क्या पुट करेंगे, x टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 लिमिट, यहाँ से माइनस आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस टर्म के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये टर्म हमारे पास है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म है। इस पे हमने पहले रेंज पुट करनी है एक्स टू 0, फिर जब एक्स की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। पहले हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये आंसर 1/1 प्लस 0 यानी कि 1 ही आ जाएगा, फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस पे लिमिट जब हम पुट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, तो 1/ इन्फिनिटी हमारे पास क्या होगा, 0। तो यानी कि माइनस 1/2 1 माइनस 0 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का माइनस 1/2। तो अब ये कन्वर्ज कर गया, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, तो ये गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करेगा। दस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बहुत आसान है, ये आप लोगों ने खुद करना है इसी एक्सरसाइज के। मैं यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 0 to infinity डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। एक ये है क्वेश्चन, 0 to infinity डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है 1 to infinity एक्स रेज टू पावर माइनस 3/4 डी एक्स, और बिल्कुल यही रूल यूज़ करना है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर डी टी 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 टी स्क्वायर डी टी ओवर 1 प्लस टी 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिया, अब हम लेंगे 0 to infinity t
टी स्क्वायर डी टी ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे टी की जगह पे हम टी पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ लेंगे टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम टी लिख देंगे और यहाँ पे टी लिख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, टी इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू ज़ीरो, टी स्क्वायर डी टी 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू टी, टी स्क्वायर डी टी ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ए कह देते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करनी होगी। अब जब 1 प्लस टी स्क्वायर हो या ए प्लस टी स्क्वायर हो तो हम लोग सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो ए की जगह पे हमारे पास क्या है, ये 27 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो यानी कि ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 27 है। यहाँ ए का स्क्वायर होता है ना, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 27 होगी। तो एक्स हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 27 टेंजेंट थीटा, ये ले लेंगे। और डी टी हमारे, सॉरी यहाँ पे हम टी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टी है, टी हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 27 टेंजेंट थीटा। तो डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी थीटा हो जाएगा। अब जो यहाँ पे है इन दोनों के दोनों की जो है इंटीग्रेशन हमारे पास सेम होगी, लेकिन लिमिट्स हमारे पास चेंज होगी। तो हम इस किसी एक को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसकी इंटीग्रेशन लेनी है, टी स्क्वायर डी टी 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, पहले हम इसकी सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं और फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन की, और फिर हम इनको इसमें इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने टी क्या लिया हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 27 टेंजेंट थीटा, तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और डी टी की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 27 सीकेंट स्क्वायर थीटा, टी थीटा, ये आ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 27 टी हमारे पास किसके इक्वल है, टी स्क्वायर, ये हमारे पास 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और इसका होल का स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 27 का स्क्वायर निकलेगा, तो ये 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिनोमिनेटर में 27 का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमिरेटर में है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी थीटा, और इसमें हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो सीकेंट रेस्ट पर 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है डी थीटा। और अगर हम इसको भी फर्दर ओपन करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट, टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है, इसको भी अगर हम न्यूमिरेटर में ले जाएं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रह जाएगा। और ये हम अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, 27 आ जाएगा। अब हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन लेनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 27, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन 2 थीटा, और डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, और इसको भी अगर हम कर लें तो 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा हमारे पास। और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा,
थीटा, और ये होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा रह जाएगा। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम वो कैसे निकालेंगे, हम इसके ट्राइंगल से निकालेंगे। हमने सपोज किया हुआ था टी जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 27 टेंजेंट थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 27, और ये हमारे पास इक्वल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू टी आ जाएगी, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 27 होगी। तो अगर हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें इसकी वैल्यू 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, तो 1/6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा टेन इनवर्स टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 27 ये आ जाएगी, और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस टी स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बेस ओवर, तो ये आ जाएगा 27 ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। तो फाइनल हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेन इनवर्स टी ओवर 27 माइनस 27 स्क्वायर रूट टी, ये टी पे नहीं है, और 27 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, अब यही इंटीग्रेशन की लिमिट्स यही होगी, इस पे हमने रेंज भी डिफरेंट पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक पे लिमिट अप्लाई होगी टी टू इन्फिनिटी टी टू ज़ीरो, और एक पे और या 0 to t, फिर जब हम रेंज डिफरेंट पुट कर लेंगे तो जो आंसर लिमिट होगी वो भी हमारे पास डिफरेंट होगी। इस पे लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, इस पे लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास था टी स्क्वायर डी टी ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे था। राइट साइड पे हमारे पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और इस एक्सप्रेशन पे 1/10 टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 27 टी ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर, इस पे हमने लिमिट पुट करनी है टी टू ज़ीरो, फिर इसी तरह से लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था और यहाँ पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होगा, 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेन इनवर्स टी ओवर 27 माइनस 27 टी ओवर 27 प्लस टी स्क्वायर, और इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 to t, ये हमने लेना है। तो अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज जब हम लोग डिफरेंट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे सामने रख रही हूँ। अच्छा, इस पे पहले हम लिमिट पुट कर लेते हैं, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा, और जब माइनस वाली पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 27 लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे आ जाएगा, ज़ीरो वाली टर्म इसकी नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगी, टेन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा, फिर माइनस टेन इनवर्स टी की जगह पे टी ही पुट करना है 27, एक तो ये टर्म आ जाएगी, फिर माइनस जब ज़ीरो पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू ज़ीरो 27 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 टी 27 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा,
सेकंड हमने लिमिट पुट करनी है, पहले ज़ीरो पुट करनी है फिर टी पुट करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह से ये सारी जो टर्म है ये 6/√3 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई होगी लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1/6√3। यहाँ पे पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है, तो 10 inverse t/√27 -10 inverse 0/√27 माइनस, यहाँ पे हमने पहले अपर लिमिट टी ही पुट करनी है, 27 t/27 + t², फिर माइनस 27√, वैसे और इधर ज़ीरो पुट करेंगे 27 + t² हो जाएगा, ये हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनके जो आंसर आ रहे हैं उन पे लिमिट अप्लाई करनी है। इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास -1/ और 1/6√3 को मैं बाहर लिख रही हूँ। बल्कि इसको मैं डायरेक्ट ही पुट करी, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो गई है, बाकी ये टर्म है इस पे लिमिट अप्लाई करनी है माइनस इन्फिनिटी, तो 1/6 ये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 inverse -∞/√27 आ जाएगा, ये टर्म आ गई। इसी तरह से इस वाली टर्म में हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6√3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमने लिमिट पुट करनी है माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा √27, ∞/∞ आ रहा है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे वाले का भी, तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 27 ही बचेगा स्केयर रूट, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2t होगा। अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास इसी तरह से आएगी, 6√3, ये वाली टर्म पे अब हमने प्लस वाली इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, 10 inverse ∞/√27, ये टर्म ज़ीरो हो गई है, इस पे अप्लाई नहीं करनी। अब ये वाली टर्म पे भी अप्लाई करनी है हमने 27, इसका भी हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है, 2t, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, वन ओवर सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दोनों में कॉमन आ रही है, 10 inverse -∞ हमारे पास होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, ये माइनस माइनस प्लस, और 10 inverse ∞ हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास क्या आ जाएगी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो 1/∞ यानी कि आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये भी हमारे पास π/2 आ जाएगी, और ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो π/2 इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो π/2 + π/2, तो ये आ जाएगा 1/6√3, 2π/2 आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा π/6√3।